हाय एवरीवन, मैं नागिन फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेटामॉर्फोसिस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने जो प्रोनाउन के टाइप और प्रोनाउंस पे बात की थी कि व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट आर द टाइप्स, और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एरर वाला सेक्शन और कुछ आपके सामने सेंटेंसेस को लेके आऊंगा और उस सेंटेंसेस का थोड़ा ऑपरेशन करेंगे कि कहाँ गलती है और आपके अंदर एक एटीट्यूड बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि प्रोनाउंस की गलतियों को कैसे पकड़ा जाता है। तो शुरुआत करते हैं और आपके सामने एक सेंटेंस मैं रख रहा हूं और उस सेंटेंस को आप गौर से सुनिएगा। और सेंटेंस है, शंकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स दैट हैज एवर लिव्ड। आई एम रिपीटिंग, शंकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स दैट हैज एवर लिव्ड। अब हम सबसे पहले इस पूरे जो सेंटेंस है इसमें प्रोनाउन ढूंढते हैं। तो प्रोनाउन आपको जब बहुत ढूंढते हैं तो पता चलता है कि इसमें एक प्रोनाउन है जो है दैट। अब आप जरा गौर से देखिए कि दैट जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज हो रहा है, क्या वो शंकर के लिए हो रहा है। ज्यादातर लोग इसे शंकर के लिए समझने लगते हैं। तो पहले हम इसको रिलेट करते हैं कि ये प्रोनाउन यूज किसके लिए हुआ। अगर आप देखेंगे शंकर और फिलोसोफर्स दो लोग हैं यहाँ पर जिनकी बात हो रही है, तो दैट यूज हो रहा है फिलोसोफर्स के लिए ना कि शंकर्स के लिए, क्योंकि ये कहना चाहते हैं शंकर्स उन दार्शनिकों में से एक था जो कभी इस जगह पे जिए। तो जो एक्चुअली यूज हो रहा है फिलोसोफर्स के लिए। और जब हम फिलोसोफर्स को देखें तो इट इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल है, बहुवचन है। और जब हम फिलोसोफर्स के साथ दैट यूज कर रहे हैं, दैट उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो दैट हैज एवर लिव्ड की जगह वर्ब भी प्लूरल होने चाहिए और दैट हैव यहां पर होगा न कि हैज, क्योंकि फिलोसोफर्स के लिए दैट यूज हुआ और फिलोसोफर्स प्लूरल है तो हैव यूज होगा। तो मेरे कहने का एक खास मतलब यह है कि जब आप प्रोनाउन की गलती ढूंढते हैं तो सिर्फ प्रोनाउन की गलती नहीं होती, प्रोनाउन से रिलेटेड वो सारी चीजों की गलतियां हो सकती हैं, जैसे वर्ब कौन सी यूज हुई है उस प्रोनाउन के साथ। तो यहां पर वही वाली गलती थी। तो पहले आप इस तरीके से पकड़ना सीखें इस चीज को। अब मैं दूसरा सेंटेंस आपके सामने लेके आता हूं, माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू मूवीज एवरी डे। मेरे पिताजी को मेरा रोज मूवी देखने जाना पसंद नहीं। अब आपको एक खास बात बताऊं कि हिंदी में अगर समझें तो जहां पर भी ये ना वर्ड आता है, जाना, खाना, सोना या हंसना, तो मैं बहुत सरल तरीके से बताता हूं, यहां आईएनजी फॉर्म जरूर यूज होता है, ठीक है। जैसे गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, फॉरगेटिंग, ड्रिंकिंग। अब मेरा मूवी देखने जाना, तो मेरा जाना यानी कि माई गोइंग, क्योंकि ये पजेसिव केस है, ठीक है। लेकिन यहां पर दिया गया है मी गोइंग, तो जैसे मेरा जाना माई गोइंग, मेरा नाचना माई डांसिंग, मेरा गाना माई सिंगिंग, मेरा पढ़ना माई रीडिंग या माई स्टडिंग। तो ये सारी चीजें जो हैं आप देखते हैं कि किस तरीके से पजेसिव केस लेती है। जब पजेसिव माई जो है पजेसिव केस है, आपको पता है आई मी माई माइन। तो यहां पर होगा माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग टू मूवीज एवरी डे, तो माई गोइंग टू मूवीज आएगा। और इस तरीके के सेंटेंस जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर तीसरा सेंटेंस आपके लिए लूं आज का एरर के लिए, तो ये है कि शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। अब यहां पर एक बहुत ही गौर करने लायक बात है, शी एक प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मैं थ्री सिस्टर्स की बात करता हूं तो थ्री सिस्टर्स के लिए आइदर नाम का जो वर्ड है वो अपने आप में नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है। आइदर आप सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब दो लोगों का जिक्र हो रहा है, जैसे आपने सुना होगा आइदर ही और शी, तो आइदर सिर्फ दो लोगों के साथ लगता है, जबकि यहां तीन लोग हैं तो आइदर यहां पर नहीं आएगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए, तो इसमें शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन एनी वन ऑफ हर थ्री सिस्टर, किसी भी इन तीनों बहनों में से किसी से भी वो ज्यादा सुंदर है कंपैरेटिवली। अब आपके लिए एक बहुत शानदार सेंटेंस लेके आ रहा हूं जो कई बार पूछा गया है, बिटवीन यू एंड आई ही इज ए रोग। बिटवीन यू एंड आई ही इज ए रोग, रोग का मतलब होता है आवारा या वॉन्डरर या घूमने वाला बिना एम के। अब ये ऐसे जब सेंटेंस हो जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिटवीन यू एंड आई ही इज ए रोग में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इस सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ा जाए, लेकिन इसमें
एक बहुत चालाकी भरा जो है सेंटेंस होता है। जैसे बिटवीन से आप कभी सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते। अगर मैं आपको मैथ्स में एक क्वालिटी दिखाऊं तो आप देखिए 2 × 3 = 6। अब अगर मैं 3 × 2 कर दूं तो वो भी 6 है। तो इन्होंने ठीक वैसे ही सेंटेंस को कॉमा के द्वारा आगे पीछे कर रखा है। तो ये सेंटेंस पूरा जो शुरू होना चाहिए वो कभी बिटवीन से नहीं होता। तो सेंटेंस शुरू होना चाहिए था ही इज ए रोग, यहां से, क्योंकि बीच में कॉमा है तो मैं इसे उठा के आगे रख सकता हूं। ही इज ए रोग बिटवीन यू एंड आई। अब अगर आप देखें तो ही इज ए रोग सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट ही हो गया और ये पूरा वन पोर्शन हो गया, एंड बिटवीन यू एंड आई कह रहे तो ये ऑब्जेक्ट के पूरे फॉर्म में आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया तो बिटवीन यू तो सही है, तो आई का सब्जेक्टिव केस होना चाहिए प्रोनाउन का या ऑब्जेक्टिव केस? तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट है। तो ही इज ए रोग बिटवीन यू एंड आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी। तो ये इस तरीके से बनेगा ही इज ए रोग बिटवीन यू एंड मी। तो आप अगर इसे सही करेंगे तो बिटवीन यू एंड मी ही इज ए रोग, तो आई की जगह मी होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। उसके बाद एक और बहुत अच्छा सेंटेंस है जो आपको घुमा सकता है, जैसे जिया कैन सिंग बेटर देन मी, जिया कैन सिंग बेटर देन मी। तो अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो अभी अभी आप सोचने लगेंगे कि अभी तो सर ने एक ऑब्जेक्टिव केस बताया था और उसमें बताया था कि आई की जगह जब ऑब्जेक्ट में दिख रहा हो आई तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी। तो ज्यादातर लोग यही करके आते हैं और हम बोलते भी ऐसे हैं जिया कैन सिंग बेटर देन मी। तो ये सही है, नो एरर लगता है। लेकिन मैं आपको एक बड़े पते की बात बताता हूं, उसको आप बिल्कुल नोट करिएगा कॉपी में, कि अगर कभी कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है एडजेक्टिव की, जैसे आप बेटर की बात आई है, तो कंपैरिजन में हम दो लोग को कंपेयर कराते हैं और तो दोनों लोग इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी और ये भी जो कंपेयर किए जा रहे हैं। तो अगर दोनों लोग इक्वली इंपॉर्टेंट हैं तो ये जो केस होता है दोनों के लिए हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है। तो अगर जिया को सब्जेक्ट की तरह मान रहे हैं तो दूसरे वाले को भी सब्जेक्ट की तरह मानेंगे। तो हम इसे लिखेंगे जिया कैन सिंग बेटर देन मी का सब्जेक्टिव केस आई। सो जिया कैन सिंग बेटर देन आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और दोनों बिल्कुल कंट्रास्ट में सेंटेंस है, ये आपने देखा। और अब मैं आज का लास्ट सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं कि यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट हिज मनी, यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट हिज मनी। तो आपको ये बता दूं, जब भी सेकंड पर्सन यू से कोई चीज शुरू होती है तो उसका जो प्रोनाउन आता है वो भी आपका केस यू के साथ ही का बनेगा। तो यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट योर मनी, हिज मनी नहीं, यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट योर मनी। तो ये कुछ अच्छे सेंटेंस थे, मैं और भी बताना चाहता था लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाती है। मैं फिर से एक और लाऊंगा प्रोनाउन के एरर की वीडियो। तो आपके साथ ये आज इतनी ही वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त करता हूँ और विदा लेता हूँ। लेकिन मुझे आपका जो है पूरी तरह कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए और सपोर्ट चाहिए, इसको आप सब लोगों में बांटिए। और अभी मैं प्रोनाउन को और चलाऊंगा, और मैंने कहा है कि मैं इस तरीके के सीरीज बना रहा हूँ चाहे लिटरेचर में ग्रामर में, फिर आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज इसके अंदर होगी। तो और प्रोनाउन के एरर्स लेके आपके सामने हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको ऑनलाइन ग्रामर का कोर्स करना है, 1 तारीख से हम एलटी लेक्चर और बाकी लोगों के लिए ऑनलाइन ग्रामर का कोर्स कर रहे हैं, 3 से 4 महीने का होगा, जिसमें थॉरली हर कॉन्सेप्ट पे चर्चा होगी और बहुत ड्रिलिंग होगी प्रैक्टिस के साथ। मैं गारंटी देता हूँ हर एक एरर का मास्टर हो जाएगा आप में से। तो आप उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।